छात्र संगठन NSUI विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है। भाजपा सरकार की छात्र युवा विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। रविवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश NSUI प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने शिरकत की और NSUI के कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की छात्र विरोधी नीतियों को ले जाने के निर्देश दिए। कहेगी कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी एक विधान को पता चलता कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा छात्र को हम स्टूडेंट मैनिफेस्टो NSUI के द्वारा जो है वो हम जल्द ही आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। उसी को लेकर आज हमने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उस स्टूडेंट मैनिफेस्टो में मेन मुद्दा जो हमारा वो रहेगा वो है कि अगर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार आएगी तो हम चाहते हैं कि भर्ती विधान एक एक्ट जो है वो लागू की जाए। भर्ती विधान के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी परीक्षाएं जो होती हैं उनके जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 6 महीने के अंदर नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग से लेके रिजल्ट जो है वो सारा कुछ आए, और कोई भी अगर अधिकारी इस पर्चे में या परीक्षाओं में कोई घोटाला करते पाया जाता है तो उस भर्ती विधान के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ उसको सजा मिले। ऐसा ना हो जैसे आज वर्तमान की सरकार ने जो पीछे जिन्होंने भर्तियों में पर्चे लीक किए, आज हम आप लोग देख रहे हैं कि उनको बेल से जो है वो बाहर आ चुके हैं। कि जिस तरीके से प्रदेश का छात्र जो है वो प्रदेश की भाजपा की छात्र विरोधी नीतियों से जो है वो त्रस्त है, क्योंकि छात्र हितों का जो है वो हनन किया जा रहा है और विचारधारा को जबरदस्ती अपनी विचारधारा को थोपने का काम जो है वर्तमान की भाजपा की सरकार कर रही है। वो चाहे वाइस चांसलर के बेटे की मतलब PhD में जिस तरीके से आउट ऑफ वे जाके एडमिशन की बात हो, वो चाहे वर्तमान में हर एक पर्चा जो पेपर जो है सबसे पहले तो भर्तियां निकलती नहीं, अगर भर्तियां निकलती हैं पेपर निकलते हैं तो वो पेपर होते हैं उसके बाद वो लीक होते हैं, और आधे से ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो कोर्ट में जो है वो स्टे के माध्यम से जो है वहाँ पे पड़ी गई हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम छात्रों के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से इस भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में छात्रों को और युवाओं को ठगने का काम किया है, उनके खिलाफ नीतियां बनाने का काम किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छात्र पूरे प्रदेश भर का इस भाजपा की सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं उसका सेमीफाइनल आपने पीछे बाई इलेक्शन में देखा भी, जिस बाई इलेक्शन में एक लोकसभा और 3 विधानसभा में जो है भारी हार का सामना जो है भाजपा को करना पड़ा था, वो सेमीफाइनल में जिस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिला है वो सामने सामने देखता है कि फाइनल भी उसी प्रकार से दिखेगा।